नर्मदापुरम के पिपरिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक टवेरा कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई। इस गाड़ी में 11 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में घायल लोगों को नर्मदापुरम में निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल ये सभी लोग शादी में गए थे, रात में वहां से वापस लौट रहे थे, तभी कार का ऊपरी हिस्सा पेड़ की डाल से रगड़ता हुआ निकला। इस वजह से सभी के सिरों में गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं घायलों का इलाज चल रहा है। 5 पेशेंट आए हैं सुबह जो RTA के हैं, तो जिसमें से 2 पेशेंट हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। एक पेशेंट ऐसा है जिसको वेंटिलेटर पर भी रखा गया है, और उसके बाद में 3 पेशेंट है, सभी के सिर में अच्छी खासी चोट है। उसके बाद में एक पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो अभी इलाज जारी है, देखते हैं क्या होता है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने घायलों को गाड़ी के कांच तोड़कर बाहर निकाला। पुलिस अभी जांच कर रही है। रात्रि करीब 2 बजे मुंडोरम होशंगाबाद के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सांडिया की पछलवाड़ा के बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचा तो टवेरा उसके नीचे उतर कर एक झाड़ से फंसी हुई थी। जो घायल लोग उसी में गाड़ी में थे, गाड़ी को बड़ी मुश्किल से गेट खोलकर कांच तोड़कर घायलों को बाहर निकालकर 108 100 नंबर बस के माध्यम से घायलों को जिला मतलब पिपरिया अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज चालू है। इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की पुलिस पूरी तरह जांच कर रही है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नर्मदापुरम से पीतांबर जोशी की रिपोर्ट, MP तक।